सभी भाइयों को जोगिंदर की तरफ से राम राम। आज मैं आपको खरगोश पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अपनी यूनिक पैट रैबिट एंड डॉग फार्मिंग के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है। वैसे मैंने अपना पालन 2009 में स्टार्ट किया था और 2013 में मैंने अपनी फार्म रजिस्टर्ड कराई थी। बाहर लेके आ जाओ पॉज। और अभी मैं 2019 से जनहित सेवा संघ के नाम से अपन एनजीओ रन कर रहे हैं। बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि खरगोश रहते किस में हैं। सबसे पहले हम पिंजरे की बात कर लेते हैं। तो ये लोहे की जो जाली होती है उसका बना हुआ पिंजरा है, 10x4 का। 10 फीट इसकी लंबाई है और 4 फीट चौड़ाई है। इसमें अलग अलग पार्टीशन होते हैं। इधर कर ले, पार्टीशन दिखा दे। ये इसमें 10 पार्टीशन लगे हुए हैं, 5 इधर और 5 उधर। 2x2 का एक अपना स्पेस हो गया जिसमें एक खरगोश रहता है, एक खाने में एक खरगोश रहता है। और खरगोश की गवर्नमेंट से 6 ब्रीड अप्रूव्ड हैं। वो मैं ब्रीड भी दिखा देता हूँ आपको। सोवियत चिंचला हो गया, ये ब्लैक ब्राउन हो गया, ये अपना न्यूजीलैंड वाइट, इसकी रेड आँख होती हैं, और सबकी नीली आँख होती हैं, इसकी रेड आँख होती हैं। और ये अपना हो गया डच, डच भी हो गया। इसमें 6 ब्रीड भी हैं, ये अभी फार्म से निकाल के मैंने यहाँ रखवाई हैं दिखाने के लिए। और अभी पिंजरे दो तरीके से बन रहे हैं, एक एक तो वो मैंने दिखा दिया आपके लिए, और एक और ये न्यू पिंजरा है अपना। इसमें क्या है कि जैसे अपना हरा चारा होता है तो इसको हम ढक्कन खोलने की ज़रूरत नहीं होती, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम इसमें बड़ी आसानी से रख सकते हैं और ये अंदर से इसको खा लेते हैं। तो ये अपने पिंजरे हो गए। आ जाओ।